नमस्कार, मैं हूं प्रसून। 2024 लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी विसात बिछा रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी भले ही इस खेल में आगे दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी नए सिरे से गोटियां बिछाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन में दरार भी देखी जा रही है। तथाकथित तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार की अगुवाई में मोर्चेबंदी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने वफादारों के भरोसे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सियासी गोटियां लगातार बिछाती जा रही है। इस बार मायावती कार्ड भी खेला जा रहा है, ताकि समाजवादी पार्टी को दबाव में लेकर कांग्रेस को तीसरे मोर्चे के साथ खेमेबंदी करने से रोका जा सके। लेकिन सबसे पहले कौन किसके साथ है, कौन दल किसके साथ है, जानते हैं। आपको बता दें कि वामपंथी दल, जिसमें CPI शामिल है, और नीतीश कुमार के साथ है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के साथ दिख रही है अभी तक। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी कांग्रेस के साथ दिख रही है। शरद पवार की NCP पार्टी, वो भी कांग्रेस के साथ दिख रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी, जिसको आम आदमी पार्टी कांग्रेस को काफी कोसती रही, वो भी इस समय कांग्रेस के साथ ही दिख रही है। ममता बनर्जी TMC से, वो भी कांग्रेस के साथ ही दिख रही है। वहीं बीजेपी इसे स्वार्थी गठबंधन करार दे रही है। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो, तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है, और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला है। बंगाल, बिहार, UP, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले, और उसके बाद देखे कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यही खत्म हो गया। तो इंडिया गठबंधन में दिख रही दरार पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी और JDU प्रवक्ता अनुप्रिया जी। आप सभी का स्वागत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल JDU प्रवक्ता से, आपको क्या लग रहा है कि तीसरे मोर्चे को दोबारा इंडिया गठबंधन के थ्रू जिंदा किया जा रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आ रही है अनुप्रिया जी। सॉरी, एक बार फिर से आप अपने सवाल को दोहराइए, मैं सुन नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी जिस तरीके से वाम दलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस अलग से कुछ दलों के साथ मीटिंग कर रही है, लग रहा है इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है। तीसरे मोर्चे की अगुवाई, तथा कथित जो तीसरा मोर्चा पहले कभी होता था, उसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसमें वामपंथी दल उनके साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश यादव भी एक तरीके से उनके साथ हैं। देखिए, ये जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, ये कई दलों के समावेश से बना है, और अभी हमने तो कहीं भी नहीं कहा है कि हमारी सीट शेयरिंग की या सीट हमारा तय हो चुका है। आपने अगर देखा होगा तो 3 दिनों से लगातार अलग अलग राज्यों के साथ में बैठकें चालू हुई हैं और बातें हो रही हैं। 7 तारीख को बिहार के JDU और RJD के साथ में कांग्रेस की बैठक हुई, कल उत्तर प्रदेश के सपा के साथ होती है, और आज महाराष्ट्र में बैठक हो रही है। तो ये सवाल जो है कि हमने कहा कि जल्दी ही हम तय कर लेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस की अगर मैं रोल की बात करूं या उनके, आप तो अभी JDU के ही रोल की बात करिए मैडम। अनुप्रिया जी, आप केवल JDU के पक्ष को बताइए कि आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने में आप लोगों को अंदर एक झिझक है? क्या झिझक है कि स्थानीय दल खत्म हो जाएंगे, राज्यवार वाले दल खत्म हो जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है? नहीं नहीं, आपने तो जो मुझसे सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस के अंदर में ऐसा कोई सवाल भी है या ऐसी कोई परेशानी है। ये शायद आपकी परेशानी, पूरा देश देख रहा है कि दो तरीके के गठबंधन हो रहे हैं,
कांग्रेस कुछ दलों के साथ अलग से मीटिंग कर रही है और नीतीश कुमार जी भी अपनी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी प्रासंगिकता बनी रहे इंडिया गठबंधन में। वामपंथी दलों से कल जेडी राजा से मुलाकात किया उन्होंने, अखिलेश जी कहीं ना कहीं उनके करीब दिख रहे हैं। अगर आपको जानकारी होगी तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं, नहीं भी जानकारी है तो कि इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन जो है बिहार की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान से होता है और तमाम राजनीतिक दल जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जिनकी अलग अलग सत्ता जहां पे है और उन्होंने वहां पे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे एकजुट हुए और सत्ता आज के डेट में मजबूत विपक्ष है। तो नीतीश कुमार जी को कोई किसी भी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स या अलग से मोर्चा खोलने की जरूरत नहीं। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि एक मोर्चा होगा जो एनडीए से लड़ेगा, क्योंकि देखिए एनडीए जो है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी जो बड़का झूठा पार्टी है जो सिर्फ झूठ परोसती है परे परोसती है, उसके सामने लड़ना तो किसी भी तरह से सीट शेयरिंग की या जो स्थिति भयावह स्थिति आप हम मुझे दिखा रहे हैं। बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है, आपके गठबंधन की बात है, कांग्रेस को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी आपसे सवाल, किसने कहा कि कांग्रेस को स्वीकार नहीं रहे? क्या आपने किसी हमारे किसी अलायंस के नेता के आपने स्टेटमेंट को सुना है? क्या कोई पेशकश हुई है? अरे खड़गे जी ने खुद ही कहा कि अभी ये हमारा जो हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे वह इंडिया अलायंस के वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, वह बहुत अच्छी बात है चुनेगा। बहुत अच्छी बात है, एक मजबूत मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आशीष जी आखिर कहाँ पेश फंस रहा है? नीतीश जी अलग से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अलग से मेहनत कर रहे हैं, एक ही मंच पे बैठ के मेहनत कर लीजिए सारे दल बुला के। सबसे पहले तो प्रश्न जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ लेकिन कि जो गोदी मीडिया है ना असमंजस की स्थिति सिर्फ वहां पे बनी हुई है। आप निष्पक्ष हैं, आपका चैनल निष्पक्ष है नो डाउट, लेकिन आज के डेट में जब कांग्रेस पार्टी का कदम आगे बढ़े, इंडिया अलायंस अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़े तो दिक्कत नहीं हो तो दिक्कत। और सबसे पहले मैं शुरुआत के पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का और बाकी लोगों का स्वार्थ स्वार्थ के हिसाब से गठबंधन है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये 38 दलों के साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गठबंधन किया है वो मजबूरी वाला गठबंधन है। तो स्वार्थ और मजबूरी, हाँ अगर स्वार्थ है तो है हमारा स्वार्थ, लेकिन क्या स्वार्थ है? देश से एक तरफ जहां पे भारत जोड़ो यात्रा और कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने का काम हो रही है, वहीं पे भारत जलाओ पार्टी अर्थात की बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की बीज बोने का काम कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने पिछले कई महीनों से लगातार मणिपुर जल रहा है लेकिन वहां जाने का समय नहीं था। अभी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग तो एक मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष ऐसा माना जा रहा है, एक सर्वे भी आया था आपके लिए खुशखबरी है, उसमें जो विपक्षी दलों का गठबंधन था उसमें सबसे ज्यादा वोट 34% राहुल गांधी जी को मिलता है। माना जाता है कि इस सर्वे आम जनता के बीच में हुआ था, उसमें माना गया कि राहुल गांधी की स्वीकारता बढ़ी है और वो नंबर वन पे है, उनके अगल बगल कोई भी फटक नहीं रहा था, ये आपके लिए खुशखबरी है। अब दूसरी बात यह है कि अभी ये जो दांव पेश चल रहा है बीजेपी तो जमीनी स्तर पर बहुत आगे निकल चुकी है आपसे, लेकिन लग रहा है कि आप लोग रणनीति के तहत उसको आगे करेंगे। नहीं, किस जमीनी स्तर की आप बात कर रहे हैं? वो जो एलईडी बैंक चला रहे हैं, अरे भैया इतना पैसा जो जमा करके रखे हैं देश में खा के रखे हैं तो क्या करेंगे? जो चंदे की चोरी भगवान के नाम पे करके रखे हैं तो इसी दिन पे इस्तेमाल होगा ना वो। राकेश पोद्दार जी बीजेपी प्रवक्ता आप ही इसका जवाब दे दीजिए आशीष जी की बात का। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, अब बार बार जब आप लोग जब चर्चा करते हैं नीतीश कुमार जी की, अखिलेश यादव जी की, मायावती जी की, ममता बनर्जी की, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज इंडिया अलायंस जिस फॉर्म में पहुंचा है उसके पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत दौड़ दौड़ के लिया है, हर राज्यों के नेताओं से मिलकर लिया है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का श्रेय देना चाहिए। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आप ही के गठबंधन में कुछ ऐसे बयानबाजियां होती हैं जिसकी जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन पहले अभी इनका रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पोद्दार साहब क्या कहना है आपका कांग्रेस के आरोपों पे? देखिए इन लोगों का जो गठबंधन है स्वार्थ का गठबंधन है, भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है। मैं कहना चाहता हूँ जितनी पार्टियां हैं सरल, पहले मेरे भैया भाई भाई सुन ले आपका बात, मेरे भाई आशीष जी सुन लीजिए अभी फिर आपका मौका आएगा।
नहीं भ्रष्टाचार क्या है, तो 10 साल तक गृह मंत्री निकम्मे है क्या देश के? अरे भाई बात तो सुन लीजिए, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। आप बोलते हैं चुपचाप सुन रहे थे ना भैया, आशीष भाई काहे ऐसे बोलते हैं, काहे घबरा रहे, व्याकुल काहे हो रहे, जनता हमारे साथ है भैया, व्याकुल काहे हो रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, मेरा भी अधिकार है, लोकतंत्र भैया, सुनिए लोकतंत्र है, मेरा अधिकार है, ज्यादा काहे आपको बोल रहे हैं, लोकतंत्र में मेरा भी अधिकार है बोलने का जी। अपनी बात आप रखिए सीधे आशीष पोद्दार जी, अरे राकेश पोद्दार जी आप अपनी बात रखिए सीधे। मैं कहना चाहता हूँ आपके और प्रसून जी, आशीष जी का ध्यान पूर्वक मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे ही छूटकर शरद यादव गए, तृणमूल कांग्रेस गया, फारूक अब्दुल्ला गया, ये सारे लोग आपसे छूट के अलग सी पार्टी बनाई, आज क्या जरूरत पड़ गया? अरविंद केजरीवाल कहते जिला नितिन को जेल भेजेंगे, काफिया थे कि नहीं, आज उनकी क्या जरूरत पड़ गया? आपने बहुत बड़ी बात कही है पोद्दार साहब, इस पे जवाब लेते हैं टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी क्या जरूरत पड़ गई पहले अलगाव फिर अब साथ? देखिए भाजपा तो यही बात कहेगी कि अलग अलग थे अब साथ आ गए, तो पहले ये अपने थाली में देखें ना कि कहाँ पे ये लोग पहले साथ में थे अब अलग हो गए, फिर एक करने की बात हो रही है 24 में साथ में लेने की बात हो रही है, तो पहले भाजपा सोचे ना, हम लोगों को नहीं सोचना है, हम लोग तो जो विपक्ष है विपक्ष एक होकर के जुट होकर के लड़ रहा है। आज भाजपा यही चाहती है कि ये लोग, आप कभी देश के लिए सोचा, प्रदेश के लिए सोचा? अरे एक मिनट पोद्दार साहब, एक मिनट रुक जाइए, आप पोद्दार साहब एक मिनट रुक जाइए, आशीष थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में। सुमित मल्होत्रा जी मेरी बात सुनिए आप जी, आपकी राजनीति से किसी को नाराजगी नहीं है, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आम जनता भी चाहती है कि देश को एक मजबूत विपक्ष मिले, लेकिन आप ही के जब नेता कुणाल घोष सीधे सीधे राहुल गांधी जी को खारिज कर देते हैं, खड़गे कांग्रेस को खारिज कर देते हैं, कहते हैं बीजेपी की दलाल पार्टी है, तो जनता के मन में ये सवाल उठते हैं कि ये बयानबाजी क्यों हो रही है? अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो क्या गठबंधन बनाएंगे? गठबंधन बनने से ही पहले ही टूट जाएगा। इस तरह की एक नहीं कई बयानबाजी आई हैं। जेडीयू जेडीयू के एक नेता ने कहा, मुझे 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 आप एक बात बताइए कि भाजपा में ओम प्रकाश राजभर ने सीएम को लेकर के पीएम को लेकर के कितनी बातें कही, गाली तक दी, और आज आज सीएम और पीएम दोनों उन्हें गले लगा रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, ये अरे भाई बीजेपी जो कर रही हो कुछ भी कर रही है लेकिन वो सत्ता में है, हम तो चाह रहे हैं एक मजबूत विपक्ष एक विकल्प के तौर पे उभरे, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप अपनी भूमिका को स्पष्ट नहीं करेंगे जनता के मन में संशय रहेगा, रोज एक बयान ऐसे सामने आते हैं जैसे लगता है कि गठबंधन अब टूटा कि तब टूटा। देखिए भाजपा तो यही चाह रही है, और भाजपा नहीं चाह रही, आप क्या कर रहे हैं हम ये पूछ रहे हैं, आप अपने नेताओं के बयान पे रोक नहीं लगाते हैं फिर भाजपा को आरोपी ठहराते हैं। नहीं भाजपा तो यही चाहेगी कि ये गठबंधन टूटे, और जो भाजपा के सहयोगी मीडिया हैं वो भी यही चाहेंगे कि अनुप्रिया जी जेडीयू के भी नेता बयानबाजी कर देते हैं, ऐसे में लगाम कैसे लगाएंगे आप? परसों जी मैं आपके चैनल के माध्यम से, अनुप्रिया मेरी बहन है बिहार से आती है ना, मैं प्रभु श्री राम से कहता हूँ कि इन लोगों को जितने भी इनके घटक दल के हैं सभी प्रभु श्री राम इन लोगों को सद्बुद्धि दे, सब एकीकृत रहो, और लोकतंत्र में विपक्ष में कम से कम भूमिका ऐसा निभाए कि बैठने के लायक भी तो बन जाइए, सकारात्मक राजनीति तो कीजिए, जनता को ठगने का काम मत। अच्छा पोद्दार साहब जरा सुन लीजिए अनुप्रिया जी क्या कह रही है, प्रभु श्री राम के नाम पे आपने कर लिया अपना सेटमेंट दे दिया, साधु बन गए, बाबा बन गए, अरे मत कीजिए, देख रहे हैं हनुमान जी एक बार गला चलाए हैं तो कर्नाटक से चले गए थे आप, अभी प्रभु श्री राम की बारी है, उनकी उनकी अगर अलौकिक क्षमता रही तो ये झूठा पार्टी जो है ना जो झूठ फैला रही है पूरे देश में तो सत्ता से दूर कर देगी, प्रभु की माया बहुत ही खतरनाक होती है भैया, ऐसे झूठ ना फैलाइए, हमने एक बार भी कह दिया होता चैनल के माध्यम से कि देखो हमने 10 वर्ष राकेश जी अभी तो बहुत शिष्टाचार सिखाए थे कांग्रेस के प्रवक्ता को, अभी थोड़ा शिष्टाचार आप भी सीख लीजिए, मेरी बारी है जेडीयू की प्रवक्ता मैं हूँ, मैं बोल लूँ फिर आप जितना बोलना होगा इतना भाषण देना होगा साधुवादित करना होगा सब कीजिएगा, अरे प्रभु श्री राम को छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम जो है वो हमारे मन में हमारे पूरे संसार के कण कण में है, आपके बताने से प्रभु श्री राम नहीं आएंगे। अनुप्रिया जी आपके मन में कण कण में राम है और सब कुछ बात मान लेते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार का शिक्षा मंत्री जब ऐसा विवादित बयान देता है
जिसपे पता ही नहीं चलता है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है राम को लेके, और आपकी सरकार में रहते हुए शायद आप बिहार की राजनीतिक से थोड़ा, मुझे लगता है कि आपको, आप बहुत सीनियर जरूर हैं, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक पे भी आपको थोड़ा नजर बनाए रखना चाहिए। मैं और मेरी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता और या नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान यह कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो या यूपी के मंत्री हो। जो मुंह जबानी एक चैनल में बैठ के बात कह देना ठीक है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को काबू में नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, काबू क्या होता है, ये देश में लोकतंत्र है और बोलने की आजादी है, वो उनकी इच्छा हो सकती है, वो उनका धर्म हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म यह नहीं है, हम किसी को इजाजत नहीं देते हैं बोलने के लिए। कांग्रेस यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ किया है कि मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के कुछ नेता बहन मायावती के संपर्क में हैं। वहीं अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुई बैठक में बसपा के साथ गठबंधन को लेकर एक मुद्दा छेड़ा और कहा कि इस पे इंडिया गठबंधन को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीएसपी की एंट्री होते ही समाजवादी पार्टी गठबंधन से एग्जिट कर जाएगी। इस डिबेट में इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है, किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं, जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी, लेकिन एक बात ये नहीं समझने कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। तो आप ये समझ लीजिए कि ये मीडिया की देर नहीं है इस तरह की खबरें। इंडिया गठबंधन में दिख रही दरार पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया जी हैं जेडीयू प्रवक्ता, सुमित मल्होत्रा हैं टीएमसी प्रवक्ता। अब बताइए राकेश जी, इस तरह के बयानबाजी के बाद क्या मैसेज जाता है? देखिए प्रसून जी, आपने बिल्कुल सही दिखाया, संदीप जी जी हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं सही बोल भी रहे हैं। और मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ, चलो इनकी बातों से मैं अलग हटकर मैं अपनी बात थोड़ा सा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और हमारा 2024 का क्या एजेंडा है उस पे मैं एक मिनट में अपनी बातों को रखूंगा, और कोई जी बोलिए बोलिए आप बात बोल रहे हैं। हाँ, तो सभी राज्यों में हमारा संगठन सुन जी मजबूत है, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस से मेरा मुकाबला 185 सीटों से है, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ, 185 सीट पे है, 346 पे हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया जीतने का है, वहां पे हम लोग जीत जाएंगे। हम लोगों ने जो 2019-24 में जो वादा किया था, महिला किसान युवा गरीबी, इस पे हम लोगों ने काम किया है और काम करेंगे, विकास के साथ साथ प्रदेश और भारत कैसे आगे बढ़े उस पे हम लोगों ने 16 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी अब मेरी बात सुन लीजिए आप, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी मेरी बात सुनिए आप लोग आरोप लगाती हैं कि मीडिया वाले बैठ के मुर्गा लड़ाते हैं। अनुप्रिया जी आप मेरी बात सुनिए, आप लोग कहते हैं मीडिया वाले बैठ के मुर्गा लड़ाते हैं, लेकिन बहस आप लोग करती हैं, इस तरीके से बात करेंगी तो मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात आप अपनी बात रखिए और वो अपनी बात रखे। एक मिनट का समय मांगा था, एक मिनट उनका समाप्त हो गया। हम आशीष जी के पास आते हैं। आशीष जी, जब आपके नेता दबाव बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, चाहे हमारी पार्टी के हो या हमारे सहयोगी दल के किसी भी दल के हो, फोरम के सिवाय कहीं और बात नहीं करना चाहिए,
बड़े सीनियर लीडर हैं, उन लोगों में भारतीय जनता पार्टी को मौका चाहिए कि खिलने उड़ाए और वो चर्चा का विषय बने। मैं संदीप जोशी जी को हमारे बारों पर लगाई, हमने कहा था क्या संदीप जोशी जी को? कांग्रेस के पुराने नेता हैं जिनकी माँ 15 साल और दिल्ली को बनाने का संभालने का काम उनकी माता जी ने कही, आप उन्हीं के साथ उद्धार जी ये विषय आपका नहीं, ये सही बात है आशीष जी, मैं कह रहा हूँ इस तरह की बयानबाजी से अपने सहयोगी दलों को बैठक में ले जाते हैं फिर उनसे समझौते करने की बात करते हैं। नहीं तो, करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आया? जब एक ही कांग्रेस करके अगर वो बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर एक ही कांग्रेस वो कब थी देश की आजादी में जब लड़ाई लड़ने की जरूरत थी तो वो कांग्रेस थी। जब समय आने राम मंदिर का कपाट खोलने की बात थी उस समय कांग्रेस नहीं थी। संविधान बनने के बाद पहले पन्ने पर अगर राम के राम की चित्र का निर्माण करने का काम था वो कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस ने किया, बहुत अच्छा काम कर रही है, गठबंधन को भी लीड करेगी ऐसी उम्मीद है। टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ। सुमित जी आप एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि आप किसके नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे, नीतीश कुमार के या कांग्रेस के? ये तो सभी लोग मिलकर के तय करेंगे कि नीतीश जी होंगे कौन होगा। देखिए मैं मेरा ये हाई लेवल का मसला है, इस पर बातचीत चल रही है, कुछ समय रुकिए, ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि नीतीश कुमार जी रहेंगे या कौन रहेगा। भैया देखिए हमारे यहाँ जो होगा गठबंधन में एक नाम तय हो रहा है, अब ये तो भाजपा को तय करना है कि मोदी के नाम पे लड़ना है। भाजपा को नहीं करना, इंडिया गठबंधन आपका, आपको तय करना। अनुप्रिया जी हमारे यहाँ तय हो चुका है लगभग, अब एक लाइन में बता दीजिए मुझे, समय बहुत कम है जी। कांग्रेस को नेतृत्व स्वीकार करने में जेडीयू को कोई समस्या है या स्वीकार कर ली सहज तौर पे? मैं आपका मंच उचित नहीं समझती हूँ और मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस पद पे नहीं हूँ। चलिए आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस चर्चा में एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता है वो तो चाहते हैं कि मेल मिलाप हो, कोई बयानबाजी ना हो, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी खींच को रोक नहीं पा रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन में टूट देखी जा रही है। और ये टूट केवल बयानबाजी तक ही नहीं सीमित है, जिस तरह के अभी मेल मिलाप चल रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक हो रही है शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, इससे लग रहा है कि कांग्रेस इस समय लीड ले रही है इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए। इस खास चर्चा में यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।